हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैन टू प्रयागराज की यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, बगल में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप जानती हैं, ओ लेवल जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए जो कि 40 नंबर का, पार्ट बी 60 नंबर का। पार्ट ए में 40 नंबर में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक, 10 नंबर का मैचिंग, 10 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स और 60 नंबर में तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव। और ये भी जुड़ गया है, 40 में से 20 सही करोगे तभी आगे लिए कॉपी चाहिए होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि 40 नंबर किसी का छूटे ना, या 40 नंबर में 40 नंबर पाए तो जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कुछ मैं कलेक्शन लाया हूँ। अगर अभी कलेक्शन पढ़ लेंगे इस और क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आप 10 नंबर क्या हो गारंटीड पक्का है, ठीक। अगर आप ये ध्यान से देखिए, कोई भी अगर क्वेरी होती, कोई भी वो होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8318119800 पर भी पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, कलेक्शन उसी तरह फिल इन द ब्लैंक कलेक्शन लेके आएंगे। एग्जाम पहले इस तरह चार वीडियो बनेंगे अलग अलग, उन चार पांच वीडियो बनेंगे, चार इनके और एक डिस्क्रिप्टिव का। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है वो है नंबर सिस्टम से। मैंने बताया नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे एडिटिव बिजनेस सिस्टम का। ये डिस्क्रिप्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्या पूछा है, एक वैल्यू दीजिए 53.625, उसको क्या करना है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप 50, मैंने बताया हमारा हमारे लेक्चर में था ही, अगर आप वो देखे होंगे तो आसानी से कर सकते हैं। 53 वो आप पहले क्या कर लें, 53.625 तो हमको करना है बाइनरी में। तो 53 दो दूना चार हासिल दो संग 12 तो एक रिमाइंडर दो कम दो तीन छः जो रिमाइंडर दो छंग 12 एक रिमाइंडर दो त्याई छः जो रिमाइंडर एक कम दो एक रिमाइंडर एक यहाँ वाला उतर आएगा तो लिखेंगे 110101, ठीक। तो ये किसका है, 53 का। तो 53 में आप देख रहे होंगे 110101 ए, आप देख रहे होंगे इसमें जो आंसर होगा वो ए सही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 110101 और किसी में नहीं है, तो हमें अब जो दशमलव के बाद वो लगाया जो होता है नहीं कि 110110101 जो है वो केवल कहाँ दिख रहा है आपको, केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो पहले का जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। तो पहले का जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक। दूसरा क्या है, FAT का पूर्ण रूप, यानी FAT स्टैंड फॉर FAT का पूरा नाम पूछा है। तो ये इसको FAT है, ये फाइल सिस्टम के बारे में है। FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक। तो FAT का फुल फॉर्म जो होगा वो फाइल एलोकेशन टेबल होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा ए। FAT का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल, और ये क्वेश्चन के हिसाब से 1.2 का जो सही होगा वो ए सही होगा। और फाइल सिस्टम दो तरह का होता है, एक FAT होता है, एक NTFS होता है, ठीक। कभी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क पर राइट क्लिक करके देखोगे तो उसमें किस तरह से फाइल सेव हो, तो पार्टीशन जो बनाते हैं FATs के थ्रू, NTFS के थ्रू। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल। अगर NTFS पूछता है तो NTFS का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, FAT का फाइल लोकेशन टेबल। दो तरह से फाइलिंग होती है, दो तरह से हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव डेटा सेव होता है, FAT या NTFS के थ्रू। जो अभी करंट में चलता है वो NTFS चलता है। NTFS का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला जो है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, फाइल या फोल्डर का स्थान बदलने के लिए फाइल या फोल्डर के परिचालन की आवश्यकता होती है। एक फाइल या फोल्डर के स्थान को बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे। मैं जो पहला दिया है एक कॉपी उसके बाद पेस्ट, ये गलत है, स्थान नहीं बदलता, उसकी एक कॉपी जाएगी। दूसरा कट उसके बाद पेस्ट, ये सही है, मूव उसके बाद पेस्ट, स्थान बदले। तो हम लोग मूव नाम का कोई कमांड होता नहीं, कमांड जो होता है कट होता है, कट का शॉर्टकट Ctrl+L, इसको नोट कर लेना, कट का शॉर्टकट कट का शॉर्टकट कंट्रोल
प्लस एक्स कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी। ठीक, तो यहाँ जो क्वेश्चन है किसी या फाइल या फोल्डर के स्थान को बदलना एक जगह दूसरे जगह के लिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस फाइल को कट करेंगे, तो जहाँ ले जाना है वहाँ जाएंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, वो जो चीज़ है, जो फाइल या फोल्डर है, वो जगह दूसरी जगह मूव हो जाएगी। कॉपी में क्या होगा, वो मूव नहीं होगी, उसकी एक कॉपी वहाँ पे मूव होगी, बाकी वो एक्चुअल में वहीं रहेगा। तो कट, इसमें जो आंसर होगा कट उसके बाद पेस्ट, तो आंसर 1.3 का जो होगा वो बी होगा, बी। ठीक, चलो अगला चलते हैं और सामने ले आते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील मतलब वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील है, इसमें जो रैम होगा वो क्या है, वोलाटाइल है, रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है, मैग्नेटिक डिस्क क्या है, नॉन वोलाटाइल है, जो बबल मेमोरी होता है वो भी नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक, एक बबल मेमोरी क्या होती है, एक मैकेनाइज्ड यानी मैग्नेटिक से बनी एक थिन फिल्म होती है, उस फिल्म में एक बिट का डेटा सेव होता है और वो नॉन वोलाटाइल होती है यानी चेंजेबल होती है। इसलिए निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील है, विच ऑफ द फाइंडिंग वोलाटाइल, तो वोलाटाइल कौन है तुम्हारा, रैम है, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, बबल मेमोरी तुम्हारा नॉन वोलाटाइल, रोम तुम्हारा नॉन वोलाटाइल, मैग्नेटिक डिस्क तुम्हारा नॉन वोलाटाइल, तीनों के तीनों क्या है, नॉन वोलाटाइल है। इसलिए जो आंसर जो होगा रैम, क्योंकि हम लोगों ने जब मेमोरी पढ़ा हो तो हमने वीडियो लेक्चर में तो मैंने बार बार बोला है रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम दो प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है किस मेमोरी बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो तुम आंसर क्या लगा हुआ, डी रैम, डायनेमिक रैम। चलो अगला चलते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। एक बिट को संग्रहित करने की लागत न्यूनतम, मतलब कि द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन, इनमें से किस मेमोरी में एक बिट डेटा आता है कम से कम। ठीक, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द बिट मिनिमम इन, इनमें से किस मेमोरी में मिनिमम एक बिट का डेटा स्टोर होता है, तो कैसे मेमोरी में ज़्यादा होता है, रजिस्टर में एक बिट होता है, जो रजिस्टर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, उसमें जो डेटा आता है वो एक बिट का आता है, मिनिमम एक बिट तक स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें जो आंसर होगा तुम्हारा रजिस्टर होगा, तो रजिस्टर जो होगा वो आंसर तुम्हारा सही होगा। ठीक, रैम नहीं होगा, मैग्नेटिक डिस्क नहीं होगा, मिनिमम पूछा है कम से कम एक बिट, तो रजिस्टर थोड़ा सही होगा। अगला क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिजोल्यूशन की माप क्या होती है, इंग्लिश में द रिजोल्यूशन ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स पूछा है, किसी भी प्रिंटर की रिजोल्यूशन की बात अगर पूछी जाए या उसकी गुणवत्ता कैसे नापोगे, उसका जो आंसर होता है वो DPI होता है। क्या होता है, उसका जो आंसर होता है DPI, डॉट्स पर, ठीक आंसर इसमें देख लो कौन सा है, तो डॉट्स पर नहीं, बी नंबर पे है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। और इसमें डॉट मैट्रिक्स लिख दिया है, यानी किसी भी प्रिंटर की रिजोल्यूशन अगर मापी जाए तो आंसर जो होगा वो DPI होगा, डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट्स पर इंच। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो तुम्हारा डॉट मैट्रिक्स यहाँ लिख रहा है किस टाइप का है, ये इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो लो क्वालिटी होते हैं, लो क्वालिटी प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वो सारे प्रिंटर डॉट, वो सारे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में, जैसे डॉट मैट्रिक्स, चेन प्रिंटर, डेजी व्हील, ये सारे इम्पैक्ट है। नॉन इम्पैक्ट जो हाई क्वालिटी होते हैं, पूरा पेज एक साथ प्रिंट करते हैं, जिनकी क्वालिटी हाई होती है, कॉस्ट हाई होती है, वो सारे नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, ये सारे तुम्हारे क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, चलो अगला तुम्हारा क्या है, आईपी पता, ये तुम्हारा इंटरनेट क्वेश्चन है। आईपी पता साइट के डोमेन नेम हर दर्शाती है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, मैप आईपी एड्रेस विद डोमेन नेम ऑफ साइट्स। ठीक, यानी जो हमारा वेबसाइट होता है, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो आईपी में होता है। ठीक, उस आईपी को एक नाम देते हैं जिसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, उस डोमेन नेम सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑन मैप्स आईपी एड्रेस विद डोमेन नेम, तो DNS डोमेन नेम सिस्टम
डोमेन नेम, इसमें जो आंसर होगा DNS मैप्स, DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम मैप्स आईपी एड्रेस विद डोमेन नेम। ठीक, जैसे जैसे मेरा ये हमारी साइट का जो एड्रेस है www, समझना इसको, बाइनरी ट्यू डॉट इन। ठीक, एक्चुअल में ये क्या है, कुछ आईपी एड्रेस होगा। ठीक, अगर ये आईपी एड्रेस ही चलता तो हर हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद करना नामुमकिन था, 114.16 तक हो जाता काम, मतलब याद करना वो मुश्किल था। इसीलिए इस आईपी एड्रेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या आया, डीएनएस आया। डीएनएस के थ्रू क्या हुआ, इस आईपी को इसमें चेंज कर दिया गया, यानी 122.123.124.16 को BinaryTube.in पे चेंज कर दिया गया, जिससे इसको याद करना आसान हो गया, सर्च करना आसान हो गया। ठीक, तो ये कैसे हुआ, DNS से हुआ, तो वही पूछ रहा है। आईपी पता सारे डोमेन नाम दर्शाती है, DNS, DNS क्या है, आईपी पता, यानी DNS मैप्स आईपी एड्रेस विद डोमेन नेम। DNS क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैप करता है जिससे डोमेन नेम से, डोमेन नेम हमारा क्या है, BinaryTube.in। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग URL बोलते हैं, URL एड्रेस, एक वेबसाइट एड्रेस बोलते हो, ये वेबसाइट एड्रेस हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वेबसाइट एड्रेस बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसको, इस पूरे को एड्रेस को क्या बोलेंगे, URL। अगर कोई कह दे कि अगर कोई मुझसे पूछ ले आपकी वेबसाइट का URL क्या है, तो मैं यही बताऊंगा, www.bintube.in। तो URL का फुल फॉर्म लिख लो, URL का जो फुल फॉर्म होता है वो, URL का जो नहीं हटाया नहीं, यहाँ देख लो, ठीक, एक बार फिर समझ लो। ठीक, ये जो 112.123.124.16 एक्चुअल मेरी वेबसाइट का नाम ये है, लेकिन DNS के माध्यम से इसको क्या किया गया, इसका नाम BinaryTube.in रखा गया। तो DNS क्या करता है, मैप करता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम से। ठीक, URL क्या होता है, मेरे एड्रेस का, मेरे वेबसाइट का पूरा एड्रेस ही क्या कहलाता है, URL कहलाता है। कोई अगर पूछ ले कि रोहित सर आपके वेबसाइट का पूरा एड्रेस क्या है, आपके वेबसाइट का URL क्या है, तो मैं उसे क्या बताऊंगा, www.bindytube.in, ये मेरे वेबसाइट का URL है। किसी को फुल एड्रेस ही बोलते हैं, किसी वेबसाइट का फुल एड्रेस ही क्या कहता है, URL कहता है। URL का फुल फॉर्म जो होता है, यू से यूनिफॉर्म, ये भी कई बार आया है, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का पूरा एड्रेस ही क्या होता है, उसका URL होता है। चलो अगला देखते हैं। सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर, एक सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग, मेरी आवाज सुनना, इसमें दिख नहीं रहा होगा, सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किया वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर है क्या, वेब ब्राउजर का यूज हम लोग इंटरनेट एक्सेस करने का यूज करते हैं, बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट नहीं चला सकते। पहली बात तो ये समझो, और वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत बार पूछता है, सिस्टम सॉफ्ट एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक समानता प्रयोग की जाने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, सही है, नेटस्केप, ये भी सही, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं था तो नेटस्केप बहुत ज़्यादा यूज होता था, नहीं दोनों यूज होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा सी, ए और बी। पहली बात दोनों समझ लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप क्या, दोनों के दोनों ब्राउजर हैं, दोनों ही बहुत ही पॉपुलर थे, अधिकतर प्रयोग, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं था तब नेटस्केप नेविगेटर का यूज किया जाता था, उसका पूरा नाम नेट, यहाँ आधा लिखा नेटस्केप नेविगेटर, वो भी एक वेब ब्राउजर है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं था तो अधिकतर यही यूज किया जाता था, तो इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक, चलो अगला बढ़ते हैं। एक निबल में कितने बिट, ये भी पढ़ाया गया है, सबसे मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई, किसी मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई कितनी होती, एक बिट होती है, एक बिट में क्या होता है, जीरो और वन होता है, एक जीरो या एक वन की साइज जो होगी वो एक बिट होगी, एक बिट बराबर, एक बिट को बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, वन बिट इक्वल टू जीरो और वन, ये सबसे छोटी इकाई होती है। अब निबल की बात करें, एक निबल बिट से थोड़ा बड़ा, बिट से बड़ा क्या होता है, निबल होता है, एक निबल बराबर वन निबल इक्वल टू फोर बिट, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वन बिट, बिट को पूरा क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं।
वन बिट यूज कर लू जीरो और वन, ठीक सब छोटी इकाई। इसका क्या आता है, वन निबल आता है, वन निबल इक्वल टू फोर बिट या फिर जीरो वन जीरो वन। इसके बाद क्या आता है, बाइट आता है, एक बाइट इक्वल टू एट बिट, ठीक। इसके बाद के बी एम बी जी बी ये सब पढ़े यू, वीडियो लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, एक निबल कितने बिट होते हैं, एक निबल में चार बिट होते हैं, ठीक। चलो अगला, अगला जो है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई। असल में फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स लेवेन है, ठीक है। लेकिन उसकी डिजाइन, उसका जो ब्लूप्रिंट किसने बनाया था, उसको किसने बनाया, उसका जो आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमन जो है वो क्या है, बेसिक आर्किटेक्चर ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन क्या है, डेवलपर हैं कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर के, या फादर ऑफ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इज जॉन वॉन न्यूमन। उसका जो आंसर होगा वो ए होगा, जॉन वॉन न्यूमन, नोट कर लेना। अगला क्या है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी एमंग डिफरेंट होस्ट, ठीक। ये इंटरनेट का क्वेश्चन है, इसमें दो होते हैं, एक होता है एसएमटीपी, जब हम अपने अपने कंप्यूटर से दूसरे अलग अलग कंप्यूटर जो होस्ट होते हैं, इसको बोलते हैं अलग कंप्यूटर, मतलब होस्ट की बात हो रहा है, हमने हम मेरा नाम ए है, मैंने बी को भेजा, मैंने सी को भेजा, मैंने डी को भेजा, तो अलग होस्ट में गया मेल, हमारा मैसेज गया, तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो एसएमटीपी। इसका जो आंसर होगा, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी, उसमें जो होगा वो तुम्हारा होगा एसएमटीपी, ठीक है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म लिख लो, जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एसएमटीपी, ठीक। ये नोट कर लेना, एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी का फुल फॉर्म। ये तो भेजते हैं तब, जब रिसीव करते हैं तो दूसरा प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं पीओपी, पीओपी थ्री, समय पीओपी थ्री चला, थ्री वर्जन है, इससे पीओपी टू था। पीओपी का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच ईमेल विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी एमंग डिफरेंट होस्ट, मतलब भेजने जब अलग होस्ट जब मैसेज भेजते हैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एसएमटीपी। जब अलग अलग होस्ट से हम मैसेज रिसीव करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा, पीओपी थ्री। यहाँ मैं हटा देता हूँ उसको, देख लेना, ये रहा पीओपी थ्री, एसएमटीपी फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी थ्री का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक। तो रिसीव करते हैं तो ये, और सेंड करते हैं तो एसएमटीपी, ठीक। चलो अगर देता हूँ, बड़ा हो गया, प्राइमरी मेमोरी इज, सरल है, प्राइमरी दो होती है, रैम और रोम, ठीक है। लेकिन इनमें से उनमें से कौन प्राइमरी है, ठीक। तो इसमें जो प्राइमरी मेमोरीज में रैम और रोम दोनों होगा, क्वेश्चन गलत है, प्राइमरी मेमोरीज रैम और रोम दोनों होगा, उसका जो आंसर होगा वो गलत है, यहाँ ए और बी दोनों होगा। लेकिन तब भी अगर आ जाता है तो प्रीफर किसको करेंगे, रैम को करेंगे, ठीक। अगर क्वेश्चन गलत है, लगाना तो कुछ ना कुछ है ही है, थोड़ा सच्चा है, तो आप रैम लगाएंगे, ठीक है। रैम की प्रायोरिटी हाई है कंपेयर टू रोम, यहाँ जो प्राइमरी मेमोरी होगा वो ए और बी दोनों होगा। लेकिन अगर ना ऐसी स्थिति बन जाए तो आप रैम लगाएंगे, ठीक। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक्स फॉन्ट स्टाइल है, स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट स्टाइल नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा,
यानी स्ट्राइक थ्रू ऑन स्टाइल नहीं होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर द फॉलोइंग ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन असेंबली। अच्छा हाँ, इसमें देखो एक जोड़ दिया है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। तो जो कंपाइलर है वो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज, तो ये नहीं होगा। असेंबलर है वो क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आंसर जो होगा वो असेंबलर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, एडिटर है नहीं, तो आंसर जो होगा असेंबलर होगा। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की अगर ये डेटाबेस का क्वेश्चन, डेटाबेस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की, जिस टेबल में प्राइमरी की लगा देंगे, कैन नॉट बी नल, कैन बी नल, कैन बी डुप्लीकेट, नन ऑफ दीज। ठीक है, कैन बी डुप्लीकेट, अगर प्राइमरी की लगी डुप्लीकेट नहीं कर सकते, दो बार उस टेबल में दो नाम सेम नहीं हो सकता। कैन बी नल, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये गलत हो गया, डुप्लीकेट भी गलत हो गया। आंसर कैन नॉट बी नल, आप जो खाली छोड़ नहीं सकते, तो उसमें जो आंसर होगा वो ए होगा। तो द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, जिस टेबल में प्राइमरी की लगा होगा उस टेबल के किसी भी सेल में आप बिना कुछ लिखे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, प्रॉपर कर देते हैं। एक ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए, एक ऑफिस चाहे जो, चाहे विंडोज में काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस पे काम, एमएस ऑफिस की बात हो रही है, एक घर वाला ऑफिस नहीं, तो ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता हेल्प लेने के लिए आप कौन से की यूज करोगे। F1 की का यूज करेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा, ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता, टू हेल्प, टू गेट द हेल्प, विच की, F1 की, तो उसमें जो आंसर होगा F1 होगा। अगला, परिचालन प्रणाली निम्नलिखित स्रोतों से स्थापित की जा सकती है। इंग्लिश में, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल फॉलोइंग रिसोर्सेस। ऑपरेटिंग सिस्टम आप किस किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, पहला डिस्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा रिमोट इंस्टॉलेशन, तीनों सही है। डिस्क मतलब आप किसी हार्ड डिस्क में रखे हैं उससे कॉपी कर सकते हैं, नेटवर्क में लैन के थ्रू एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर में कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, रिमोट इंस्टॉलेशन आप कहीं और बैठे हैं अपना सिस्टम आप क्या कहें कनेक्ट करा दीजिए किसी दूसरे सिस्टम से, वो वहाँ से बैठे बैठे कर सकता है। जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी तरह से डिस्क के थ्रू, नेटवर्क थ्रू, रिमोट इंस्टॉलेशन थ्रू, कहीं के थ्रू अभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें जो आंसर होगा 1.5 का वो डी होगा। अगला जो है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप कौन कौन सा, जॉयस्टिक नहीं, ये गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। सी ड्राइव नहीं, ये क्या है, एक मेमोरी है, ऑप्टिकल ड्राइव है और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। तीसरा माउस नहीं, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि ड्रैग ड्रॉप सेक्शन के काम आता है। चौथा जो है वो सही है, NIC कार्ड, अगर NIC कार्ड नहीं होगा तो आप अपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर में जो नेट का तार आता है वो प्लग नहीं कर सकते हो। ठीक, तो आपको प्लग करने के लिए आपको NIC हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है जो कि ऑलरेडी सिस्टम में इनबिल्ट होता है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका जो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC का फुल फॉर्म जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक, चलो अगला, फ्लॉपी डिस्क का आकार यहाँ पूछ रहा है उसके फिजिकल साइज से, यानी कितना बड़ा होता है, अगर उसमें कितना डेटा आता है तो वो आप क्या लगाओगे, 1.44 MB। अब ये साइज पूछ रहा है, तो उसमें जो साइज होगी 5 x 4 इंच होगी। इसका जो आंसर होगा 1.7 का ए होगा, 5 x 1.4 इंच। चलो अगला, चलो मेल मर्ज की बात, मेल मर्ज किसका है, एमएस वर्ड की बात, एमएस वर्ड से पूछ रहा है।
मेल मर्ज इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट एंड डेटा सोर्स, गलत। प्रोडक्शन ऑफ सिंगल डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट एंड क्लिप आर्ट, गलत। प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सिंगल फाइल एंड एड्रेस, सही। प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट एंड डेटा सोर्स, ठीक। तो यहाँ जो आंसर होगा वो सी होगा, प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सिंगल फाइल एंड एंड एन एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर होगा सी नहीं होगा और डी होगा, सॉरी ये डी होगा। क्यों डी होगा बताते हैं। मेल मर्ज में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल बनाते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं, उस टेम्पलेट में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एड्रेस के अलग अलग एड्रेस से अलग अलग लेटर तुरंत बना सकते हैं, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि एन एड्रेस लिख दिया मतलब एक एड्रेस के लिए, तो यहीं से गलत हो गया सी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। नीचे देख रहा हूँ तो क्या है, डेटा सोर्स, जितने भी डेटा सोर्स होंगे एक से अधिक, उन अलग अलग डेटा सोर्स के मुताबिक आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट, कई सारे लेटर या डॉक्यूमेंट बना सकते हैं एक सिंगल टेम्पलेट से, और सिंपल टेम्पलेट के थ्रू अलग अलग डेटा सोर्स, अलग अलग एड्रेस, यानी आपके पास 10, आपको कल छुट्टी करनी है और आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपको 10 अलग अलग लेटर बनाना है, लेटर कंटेंट सेम है लेकिन उसका जो टू ऑफ फ्रॉम है वो चेंज होना है। तो अगर टू ऑफ फ्रॉम में क्या होता है, नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस होता है, तो ये आप सेव करके रखे रहेंगे डेटा सोर्स में। तो इस मेल मर्ज से ये फ़ायदा है कि जो अलग अलग नाम पता आप सेव किए हैं, उस पता और नाम को अपने मेल मर्ज के थ्रू कनेक्ट करा के आप एक बार जो लेटर बनाए हैं उसको 10 बार में अलग अलग नाम से बना सकते हैं, इसलिए जो आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट डेटा सोर्स इज राइट, तो आंसर फोर्थ होगा, ठीक। फिर क्या लिखा है, लिनक्स इज अ कंपाइलर, गलत। ऑफिस सूट, गलत। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है, गलत। एडिटर, गलत। ऑपरेटिंग सिस्टम, सही। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, फ्री में अवेलेबल है नेट पर, यानी इसके लिए आपको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी फ्री में अवेलेबल है, सब कोड अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं डेवलपर के थ्रू। तो लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर जो होगा वो डी होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड ब्राउजर, इनमें से कौन अधिक ब्राउजर यूज किया जाता है, तो मैंने बताया ही था सब नीचे, विंडोज ब्राउजर नहीं है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल ब्राउजर नहीं, सर्च इंजन, गूगल क्या एक सर्च इंजन है ध्यान देना, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी शुरू में भी आया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप, नेटस्केप यहाँ ही नहीं, एक ही नाम दिख रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आंसर जो होगा वो पहला होगा। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, कॉमनली यूज ब्राउजर, क्योंकि जितने विंडोज के OS होते हैं उनके साथ हमें ये हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जरूर मिलता है, ये बड़ा सा बना होगा। GIF का फुल फॉर्म पहले लिख लो, पहले दोनों हैं GIF, दोनों फुल फॉर्म, तो GIF का फुल फॉर्म जो होगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। और जो नोट्स जो हमारे हैं, जो हमारी नोट्स है BinaryTube.in पर, सारी चीज़ें जितना आप अगर नोट्स आप लिए होंगे, कुछ बच्चे और लिए भी हैं कई सारे, तो देखेंगे जितनी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं सब कुछ नोट्स मिलेंगे। JPEG, K से जॉइंट, P से फोटोग्राफिक, E से एक्सपर्ट, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं भी हटा देता हूँ, ग्राफिक ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF का फुल फॉर्म, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। जी से ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है ये, वर्ड फाइल के नहीं, वर्ड फाइल के क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, एमएस वर्ड में जब कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc होता है, और doc मतलब डॉक्यूमेंट फाइल,
इमेजेस, फोटो का नाम आ गया, फोटोग्राफी बताया ना, तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा बी होगा इमेज। ऑडियो फाइल है नहीं है, वीडियो फाइल है नहीं है, ये क्या होगा इमेज होगा, 1.2 का बी होगा। अगला क्या है, द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर कार्ड, कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं नहीं, सीपीयू बोलते हैं नहीं, बोलो सीपीयू लगाते हैं, गलत है वो। इसका जो आंसर होगा मदर बोर्ड होगा, ठीक। तो कंप्यूटर की जो मेन सर्किट जहाँ पूरी सर्किटिंग होती है उस बोर्ड को हम लोग मदर बोर्ड बोलते हैं, क्योंकि एक हार्डवेयर होता है सीपीयू के अंदर लगा होता है, इसलिए 1.3 का जो आंसर होगा वो सी होगा मदर बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस, स्क्रीन नहीं, स्पीकर नहीं क्योंकि इसके थ्रू बाहर आ रहा है, इनपुट आउट डिवाइस से जुड़े क्वेश्चन आ रहा है, कीबोर्ड सही। कीबोर्ड क्या है, एक मोस्ट कॉमन बेसिक इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर स्पेशल सिंबल शॉर्टकट्स इत्यादि कंप्यूटर को भेजने का काम करते हैं, इसलिए कीबोर्ड जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर गलत है, प्रिंटर एक आउटपुट है जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर है वो बाहर आता है कागज़ में, इसलिए प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। वही वाला क्वेश्चन फिर आ गया, मैप्स आईपी एड्रेस विद द डोमेन नेम ऑफ द फाइल, सही है, डीएनएस पीछे भी आ चुका है कई बार। टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्राउजर्स आर, इनमें से कौन बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राउजर है, लिंक्स मिंक्स नहीं, नेटस्केप आई, मैंने बताया था अभी नेटस्केप, और जो आई मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी पीछे भी था, तो उसका जो आंसर होगा वो बी होगा, नेटस्केप एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। मोजाइक ग्रोफर, मोजाइक लिख लेना, मोजाइक भी कई बार आया है, मोजाइक भी ब्राउजर है लेकिन है क्या, अभी आगे लिखते हैं। मोजाइक जब फर्स्ट ग्राफिकल वेब जो मोजाइक है वो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, दिखने वाला ब्राउजर जो सबसे पहले बना उसका नाम क्या था, मोजाइक था। लेकिन क्वेश्चन में जो दिखा है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो ब्राउजर है वो नेटस्केप और इंटरस्प्लोरर है, आई है। वर्ल्ड वाइड वेब वाज डिवाइस बाई, वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया किसने था, टिम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब के जो इन्वेंटर थे वो टिम बर्नर्स ली थे, डेवलप्ड इन CERN, जो CERN ऑफिस है उनका, कोई कंपनी रही होगी ऑफिस रहा होगा वहाँ पे उन्होंने इसका इजाद किया। तो टिम बर्नर्स ली का नाम तो है नहीं, नाम किसका है, उनके ऑफिस का नाम है, देखो ऐसे फंसाता है। द वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप्ड बाई, नाम जो व्यक्ति का नाम है टिम बर्नर्स ली है, कहाँ बनाया वो, CERN में। तो आंसर जो होगा उसका 1.7 का, देखो एक WW को बनाया किसने, टिम बर्नर्स ली ने, कहाँ बनाया, CERN में, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में देखो CERN लिख रहा है, जहाँ बनाया उसको पूछ रहा है, तो आंसर जो होगा वो 1.7 का ए होगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड, सबसे अच्छा रास्ता कौन है, यूनिफॉर्म मतलब सभी स्लाइडों में एक ही बैकग्राउंड लग जाए, इमेज लग जाए, बाय इंसर्ट इमेज ऑन स्लाइड, दूसरा डिफाइन बैकग्राउंड इमेज इनटू स्लाइड मास्टर, इंसर्ट इमेज ऑन फर्स्ट स्लाइड, बाय कॉपीइंग इमेज टू अ स्लाइड। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, यहाँ यूनिफॉर्म लिख दिया है बैकग्राउंड इमेज, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, बाय कॉपिंग इमेज टू ऑल स्लाइड, ठीक। इसमें क्या करेंगे आप, इंसर्ट करेंगे तो हर बार जाएंगे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर फोटो चूज करेंगे, फिर ओके करेंगे, लंबा तरीका हो गया। डिफाइन बैकग्राउंड इमेज टू स्लाइड मास्टर नहीं, उससे नहीं होगा। इंसर्टिंग इमेज ऑन फर्स्ट स्लाइड में डालने से तो सब में आएगा नहीं। बाय कॉपिंग इमेज टू स्लाइड, एक को मैं कॉपी करूँ बाकी में पेस्ट करके चले जाओ, तो बैकग्राउंड क्या होगा ऑटोमेटिक लगता जाएगा, उसमें 1.8 का जो होगा वो डी होगा।
नंबर सिस्टम बेस 10 आर कार्ड, जिस नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है बताया था डेसिमल होगा, 2 होगा तो बाइनरी होगा, 8 होगा 4 होगा सॉरी 8 होगा तो ऑक्टल होगा, 16 होगा तो हेक्साडेसिमल होगा, तो इसमें 10 पूछा तो इसमें क्या होगा डेसिमल सिस्टम होगा, सी सही होगा। हाँ अबाउट इंपॉर्टेंट टू चेंज द सेल रेफरेंस सी फोर सी नाइन टू एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यू वुड इंटर इट एज, ठीक सी फोर से सी नाइन इसको मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा, कोई क्वेश्चन पढ़ लिया चलो सी फोर सी नाइन को एब्सोल्यूट बदलने के लिए बोलना है, देख लो जान लो एक्सेल में अगर सी फोर टू सी नाइन है ऐसे लिखा है एक ऐसा रेफरेंस है रिलेटिव रेफरेंस, ठीक डॉलर सी फोर सी डॉलर नाइन ये क्या है मिक्स्ड सेल मिक्स्ड या कहीं कहीं लिखा था हाफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, अगर इस तरह लिखा है डॉलर सी डॉलर फोर डॉलर सी डॉलर नाइन ये क्या है एब्सोल्यूट है, ठीक नहीं रो और कॉलम रो नंबर कॉलम नेम में अगर डॉलर लगाओ दोनों साइड पूरे में तो फुली क्या होगा एब्सोल्यूट होगा, किसी में डॉलर लगा है किसी नहीं लगा है तो मिक्स सेल रेफरेंस या उसको हाफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोलते हैं, और सी फोर सी ने कहीं डॉलर लगा तो रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं, इसमें देख चेक कर लो मैं चेक कर लो इसमें क्या लिखा है डॉलर सी डॉलर फोर डॉलर सी डॉलर नाइन यानी सी उसका जो आंसर होगा वो सी होगा, रिलेटिव सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या अंतर है तो ये हमारे नोट्स में भी है वहाँ से पढ़ सकते हो और मैंने बता ही दिया, ठीक चलो चलो अगला अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, बहुत सिंपल वर्कशीट के समूह को क्या बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट तो इसमें जो आंसर होगा वो वर्कबुक होगा, ठीक एक्सेल बुक नहीं होता एक्सेल वर्कशीट नहीं होता, एक्सेल वर्कशीट जिसमें पूरा रो एंड कॉलम जो होता है वर्कशीट होता है उसके कलेक्शन को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट तीन होता है एक्सेल जब खोलते हो तीन वर्कशीट होती है एक वर्कबुक में, आप उसको 0 टू 250 255 तक बढ़ा सकते हो यानी एक वर्कबुक में आप 255 वर्कशीट ले सकते हो। अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एएलयू रजिस्टर एएलयू कंट्रोल यूनिट एएलयू मेमोरी रैम एंड रोम, ठीक अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट एएलयू रजिस्टर एएलयू मेमोरी रैम एंड रोम, अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कम से कम क्या होना चाहिए उसके पास एएलयू और कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, बाकी आप चीज बाहर से भी लगा मेमोरी आप बाहर से लगा सकते हो लेकिन आप कंट्रोल यूनिट और एथमेटिक लॉजिक यूनिट आप नहीं लगा सकते, जो आंसर होगा ALU एंड CU यानी B होगा 1.8 का B। द रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर ये बता ही दिया DPI होता है डॉट्स पर इंच ई होगा 1.9 का 1.10 में क्या होगा एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी रैम और रोम रैम रोम में रैम वोलाटाइल बाकी सब नॉन वोलाटाइल तो इसमें जो आंसर होगा वो B होगा रैम। नंबर सिस्टम बेस 16 ये बताया ही जिसका बेस 16 होगा वो हेक्साडेसिमल जिसका बेस 8 होगा वो ऑक्टल जिसका बेस 2 होगा वो बाइनरी जिसका बेस 10 होगा वो डेसिमल इसका जो आंसर होगा बी होगा 1.1 का बी 1.2 ऑक्टल इक्विवेलेंट द डेसिमल नंबर 5 6 7 इज 1067 8 से भाग देना 567 को रिमाइंडर आएगा नीचे से ऊपर लिखना 1067 ही आएगा तो आंसर 1.2 का बी होगा चेक कर लेना। टू कट टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट प्रेस द की पहले बताया जब किसी डॉक्यूमेंट को कट करना हो तो कंट्रोल एक्स दाबोगे कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी दाबोगे पेस्ट करोगे ना है तो कंट्रोल प्लस डी दाबोगे 1.3 का क्या होगा डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इंडिकेट क्रिएटेड पेंट हाँ पेंट में जब कोई फाइल बनाते हो उसका एक्सटेंशन क्या होता है डॉट बी एम पी होता है बी एम पी का फुल फॉर्म बिट मैप बी आई टी एम ए पी लिख लेना बी एम पी का फुल फॉर्म बिट मैप होता है जब भी कोई फाइल पेंट बनाओगे उसको ए नाम से सेव करोगे तो ए डॉट बी एम पी हो जाएगा यानी पेंट में जब भी कोई काम करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो बिट मैप होगा।
डीओसी लिखा, डीओसी डॉक्यूमेंट का है, एसटीके पता नहीं किसका है, पीपीटी पावर पॉइंट का है। विच सॉफ्टवेयर यूज टू टीच स्टूडेंट टू हेल्प एलसीडी प्रोसेस, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू एलसीडी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्प्रेडशीट नहीं, क्योंकि एक्सेल का अकाउंटिंग काम होता है। डेटाबेस नहीं, डेटा सेव करने के लिए यूज किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग नहीं, लेटर बनाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट हाँ, पावर पॉइंट स्लाइड बनाते हैं फिर बच्चों को दिखाते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो 1.5 का डी होगा पावर पॉइंट। लाइनक्स बताई अभी ओएस है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। डॉस कमांड टू रिट्राइव लिस्ट ऑफ फाइल, किस कमांड में, किस डॉस का फुल फॉर्म, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नोट कर लेना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस पूरा नाम होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस कमांड रिट्राइव लिस्ट ऑफ फाइल, किस कमांड के थ्रू डॉस में आप पूरी फाइलों को देख सकते हैं। तो उसका जो कमांड होता है वो DIR होता है, DIR डायरेक्टरी फोल्डर। एमएस डॉस में या लाइनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज रैम प्राइमरी है, रोम प्राइमरी, कैसे भी प्राइमरी है, नॉन ऑफ द अबव। इसमें 1.8 का डी होगा, ठीक है। 1.9 राउंड 1.1363.45.2 रिटर्न क्या आएगा, 1400, चेक कर लेना एक्सेल में। क्या करना, इक्वल टू लगाना, 1.3 इक्वल टू राउंड लिखना, 1.1363.45, -2 करके जैसे इंटर मारोगे उसका जो राइट फिगर होगा -2 में वो क्या होगा, 1400 होगा। 1400 1.9 का ए, ठीक है, राउंड वाला देख लेना। द सेल एड्रेस $B$4 इन ए फॉर्मूला एक्सेल मीन्स, ये क्या है, मिक्स नहीं है क्योंकि $B$4 है पूरे के पूरा है, तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। 1.10 का बी होगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। विच ऑफ दिस नॉट इन इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक नॉट पूछा है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, सॉरी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, माउस इनपुट साथ साथ पॉइंटिंग, याद रखिएगा। इनमें से प्रिंटर ही एक ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस है, तो इसका जो आंसर होगा 1.1 का सी होगा। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, देखो कहाँ पे है, बी नंबर पे। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज द प्रोसेसर, सही है। मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट सही है, मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी सही है। इसका जो आंसर होगा डी होगा, 1.3 का डी। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी साइज की मेमोरी है, 1,00,000 KB नहीं, इसमें जो आंसर होगा 1 TB होगा, क्योंकि 1 TB बराबर 1024 GB, 1024 GB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 MB बराबर 1024 KB। भले वो ज़्यादा दिख रहा है KB MB, लेकिन आप सोच लीजिए 1 TB में 100 GB, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 1.4 का डी होगा, 1 TB, 1 TB। लाइनक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कई बार बता चुका हूँ। सिस्टम 1.5 का बी। में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, इनमें से कौन स्पेलिंग ऑफ शॉर्टकट, F7 होगा, ठीक है। F7 का स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का तरीका एमएस वर्ड में यूज किया जाता है, जब आप पूरा टाइप कर लेते हैं चेक करना स्पेलिंग सही है, कंप्यूटर चेक करता है, तो चेक करने के लिए हम लोग F7 दाबते हैं। तो 1.9 का ए होगा। क्या क्या लिखा है, नॉट अ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रिटी मतलब जिसमें इंटीग्रिटी, जिसके थ्रू इंटीग्रिटी नहीं मेंटेन होती, प्राइमरी की थ्रू मेंटेन होती, क्योंकि आप कुछ ना कुछ भरोगी, फॉरेन की ये नहीं होता। इसमें जो 1.10 का जो इंटीग्रिटी नॉट, जो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, DBMS का क्वेश्चन है, 1.10 का बी सही होगा। नल, नल नहीं हो सकता, यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि नल आप छोड़ नहीं सकते, यूनिक मतलब आपको यूनिक भरना है, प्राइमरी में आपने कुछ कुछ भरना जो दो बार नहीं हो सकता, खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन फॉरेन की में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉरेन की इसका सही होगा 1.10 का बी। मदर बोर्ड पर BIOS का, हाँ BIOS का फुल फॉर्म पहले लिख लो, हटा देते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का फुल फॉर्म बेसिक, कई बार आया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप आगे क्वेश्चन देख के क्या पूछ रहा है, मदरबोर्ड BIOS संचय करने के लिए मेमोरी को, यानी BIOS यानी BIOS कहाँ पे होता है, BIOS के एक सॉफ्टवेयर टाइप का है, वो कहाँ पे होता है, तो वो रोम में होता है। इसका जो आंसर 1.1 का
1.8 का ए रोम ठीक ऊपर चलते हैं। इनमें से किसे हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है? विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल क्या है? हार्डवेयर मशीन है। जबकि डॉट नेट क्या है? एक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसलिए जो 1.9 का जो सही होगा वो सी सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन डज नॉट इंडिकेट ग्राफिक फाइल? इनमें से कौन ग्राफिक फाइल का एक्सटेंशन नहीं, यानी इमेज का एक्सटेंशन नहीं है? पीएमपी है, पेंट में यूज होता है। जेपीजी है, जब हम फोटो क्लिक करते हैं मोबाइल से। GIF सबको पता है, GIF व्हाट्सएप पे आता है, वो भी इमेज है। लेकिन DOC इमेज नहीं है, वो वर्ल्ड की फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, लिखी हुई फाइल है, उसमें मैटर है। इसलिए इसमें जो आंसर होगा 1.1 का सी होगा, DOC डॉक्यूमेंट। इन MS PowerPoint विच लेआउट कैन बी यूज टू डिस्प्ले हायरार्की ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी? इनमें से कौन सा आप लेआउट चूज करोगे जिसके माध्यम से आप हायरार्की, कौन किसके अंडर में काम कर रहा दिखाना चाहते हो ग्राफिक के थ्रू? तो डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी दिखा सकते हो, टेबल के थ्रू भी, टेबल थ्रू भी दिखा सकते हो, पाई चार्ट दिखा थ्रू भी दिखा सकते हो, पाई चार्ट थ्रू नहीं दिखा सकते, लेकिन ऑर्डिनेट साइट द बेस्ट वे, इसमें बना बनाया रहेगा ऐसे। एक टेबल थ्रू भी दिखा सकते हो, उसके थ्रू लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब ये इस तरह एक हेड होगा, उसके नीचे दो तीन काम करने वाले, ये इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 का जो होगा वो डी होगा। तो वैल्यू ऑफ प्राइमरी की, प्राइमरी की अगर किसी भी टेबल में प्राइमरी की लगा होगा तो उसका आप खाली नहीं छोड़ सकते। कैन नॉट बी नल, कैन नॉट बी डुप्लीकेट, कैन बी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं होगा, कैन बी नल, नल नहीं होगा, कैन नॉट बी नल, हाँ ये सही है, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें उसको खाली छोड़ सकते हैं गलत हो जाएगा, उसमें दोबारा भर सकते हैं गलत हो जाएगा। सही जो होगा 1.3 होगा, द प्राइमरी की में आप किसी भी वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते, किसी भी टेबल में सेल को खाली नहीं छोड़ सकते, तो इसका ए सही होगा। व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ? जो स्प्रेडशीट होता है, जो हमारी वर्कशीट होती है, वो रो एंड कॉलम से बनी होती है। रो एंड कॉलम, जब रो एंड कॉलम आपस मिलते हैं तो सेल बनता है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज, 1.4 का डी, ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? रो मिलेगा, कॉलम मिलेगा, सेल मिलेगा। द फॉर्मूला इन सेल A2 इज इक्वल टू B2 प्लस C3 कॉपिंग फॉर्मूला C2 फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ उसके माध्यम से, या इसको ऐसे ही बताता हूँ। A2 B2 plus C3 ठीक, A1 B C D E ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। A2 और C3 और ये A2 इन दोनों को जोड़ा तब यहाँ A2 ठीक है। अब इसको कहाँ कॉपी करवा रहा है ये देख लो, C2 में, अगर C2 में रखते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ A2 आ गया तो ये खसक, तो ये क्या होगा, आगे हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जब कॉपी करते हैं तो सेल भी चेंज होता है। तो B2 यहाँ था तो ये हो गया D3, A2 इक्वल टू D3 प्लस, और ये कहाँ था, एक छोड़ के तो यहाँ D3 plus E3 होना चाहिए। इसको कॉपी कर चाहे चेक कर लेना, इसका जो आंसर होगा वो D3 plus E3, यानी जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, जब यहाँ पे यहाँ आ गए तो D3 एक छोड़ के, हाँ D2 plus E3 है ना, हाँ
D2 plus E3 आंसर जो 1.5 का होगा बी होगा, बी ये ध्यान देना 1.5 का बी चेक कर लेना, 1.5 का बी एग्जैक्ट सही आंसर है D2 plus E3। अगला क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रेस प्रिंटिंग डिवाइसेस डॉट मैट्रिक्स नहीं, डॉट मैट्रिक्स की ना इंपैक्ट प्रिंटर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, लेजर प्रिंटर सही है, तो जो 1.6 का जो सी होगा वो सही होगा, लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर ये सारे क्या है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, हमारा डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील चेन प्रिंटर ये सारे क्या है इंपैक्ट। विच द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होता है, एल्ट प्लस एन से कुछ नहीं होता, तो कंट्रोल प्लस एन सही होगा, इसका जो आंसर 1.7 का सी होगा। MIS स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, 1.8 का सी होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। द इंटर इज ओन बाई IAB सही, IETF सही, INTERNIC किसी को ही उसका हकदार नहीं होता, इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। वाई सेंडिंग अ मैसेज मैसेज ऑन द नेट इज डिवाइडेड टू वेरी स्मॉल, जब कोई मैसेज आप भेजते हो इंटरनेट पे तो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होता है, इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा, 1.10 का डी पैकेट। हाँ ये रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रोम चार प्रकार के होते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई पी के बारे में पूछा है तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, 1.2 का डी होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन, एक कंपाइलर और क्या होता है कंपाइलर होता है, तो इसमें जो आंसर होगा कंपाइलर, असेंबलर असेंबली करता है, और कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर दो ऐसे हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग यानी एम एस वर्ड की बात कर रहा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग काम आता है, वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर पहले बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नेट चलाने के काम आता है या इंटरनेट सर्फिंग के काम आता है। OS सही है, OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या करता है हमारे मशीन में जो इंटरफेस कराता है और सिस्टम के सभी कार्यों का प्रबंधन मैनेजमेंट करता है, तो जो आंसर होगा 1.4 का वो सी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विच द फॉलोइंग डिस्क्राइब रिलेशनल डेटाबेस, इनमें से कौन रिलेशनल डेटाबेस है, इट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन डेटाबेस, इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट गलत रिलेटिव डेटा रिलेटेड टू इट्स रिलेटिव डेटा रिलेटेड क्वेरीज इट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन फील्ड्स, इसमें जो आंसर होगा रिलेटिव रिलेशनल डेटाबेस में इट ट्राइव डेटा रिलेटेड टू इट्स क्वेरीज में जो सी आंसर होगा, ये क्या करता है उसी डेटा को निकालता है जो उसकी क्वेरी संबंधित हो, एक दो टेबल आपस में जब कुछ क्वेरी करोगे और उस क्वेरी में जो आप चाह रहे हैं वो दो अलग टेबल में रिलेशनल डेटाबेस अलाउ करता है कि आपकी क्वेरी के अनुसार दो टेबल को आपस में जोड़ के आपके लिए क्वेरी संबंधित जो भी आंसर हो वो प्रस्तुत करे, इसका जो आंसर होगा सी होगा। बैकग्राउंड कलर इफेक्ट अप्लाइड ऑन डॉक्यूमेंट नॉट विजिबल इन, जब आप MS वर्ल्ड में बैकग्राउंड कलर का यूज करते हो उस प्रेजेंट टाइम तो दिखता है लेकिन प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो नहीं दिखेगा, चेक कर लेना, इसमें जो आंसर होगा 1.5 का वो प्रिंट प्रीव्यू होगा डी होगा, 1.6 का डी होगा प्रिंट प्रीव्यू जब आप करोगे तो आपको क्या कर बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। ठीक, IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दूसरा आर ट्रांसपेरेंट डेटा बेस हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर गलत कीप्स इन लॉजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम, हाँ इसमें जो ट्रांसपेरेंट डीबीएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब होता है कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर, जो डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं यूजर से छुपे होते हैं, यूजर को नहीं दिखता, तो वो कैसे होता है ट्रांसपेरेंट डीबीएस के थ्रू होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर, चेक कर लेना इसको, ये भी सही है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको उलझन है या कुछ भी तो व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक, सही है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज टू सेव फाइल फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट नेम, गलत हो गया, द फर्स्ट टाइम सेव करते हैं सेव खाली होता है, सेव एज नहीं होता, फॉर सेव फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम सही, फॉर सेव फाइल इन फॉर्मेट अदर देन वर्ड सही, ऑल द अबव दो सही हो रहा है, और कहीं कहीं पे आप पहली बार सेव करते हो तब भी सेव एज ऊपर देखो लिखा रहेगा। ठीक, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा MS वर्ल्ड में,
एमएस वर्ड में जब आप सेव करते हो तो ऊपर सेव एज लिखा रहता है, उसी की बात कर रहा है। इसलिए तीनों सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा 1.7 का डी होगा। सेव द डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर सेविंग अ फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, होता है तो सेव फाइल। हाँ मान लो आप कोई फाइल बनाए, अभी सेव नहीं की हो, सेव एज पे क्लिक करोगे तब भी फाइल सेव होगी, यानी फर्स्ट टाइम भी सेव कर सकते हो उसके थ्रू, इसलिए सही होगा 1.7 का डी सही होगा। और लोग पहला देख के छोड़ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो ये ध्यान देना, जब आप सेव नहीं कर रहे हो कोई चीज़, सेव एज पे क्लिक कर रहे हो डायरेक्ट, तब भी फर्स्ट टाइम सेव एज थ्रू सेव होता है, ये ध्यान देना 1.7 डी। अक्सर लोग ये बताते हैं सेव एज का यूज किसी जो फाइल पहले सेव है उसको दूसरे नाम से दूसरी जगह सेव करते हैं, ठीक, ये गलत हो जाएगा। टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड इन डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द की, कोई चीज़ क्लिप बोर्ड में है उसको पेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी करेंगे। पहले बताया कट का कंट्रोल एस, कॉपी कंट्रोल सी और पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी। अभी क्लिप बोर्ड आया सामने, क्लिप बोर्ड क्या होता है तो देख लो, जान लो, उसको बताते हैं, ठीक। क्लिप बोर्ड एक स्टोरेज टेबल होता है, ठीक। कंप्यूटर में क्लिप बोर्ड क्या होता है, एक स्टोरेज टेबल होता है। मैंने ये राम लिखा, इसको कट या कॉपी किया, जो भी किया, इसको जैसे ही कट कॉपी किया तो ये कहाँ जाता है, यहाँ पे आता है। जब तक क्लिप बोर्ड पर रहेगा तब तक पेस्ट कमांड काम करेगा। अब मैंने कंट्रोल प्लस वी मारा, फिर राम, फिर मारा, फिर राम, मैंने यहाँ इसको डिलीट कर दिया, यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आता है, डिलीट कर दिया। अब कंट्रोल प्लस वी करोगे कुछ नहीं आएगा, यानी जब भी कोई चीज़ हम कट या कॉपी करते हैं वो कहाँ जाता है, वो क्लिप बोर्ड में जाता है, ठीक। वही कह रहा है कोई चीज़ क्लिप बोर्ड में पड़ी उसको पेस्ट करना तो कंट्रोल प्लस वी दाबेंगे, सही है। बिट मैप क्या है, ग्राफिक फाइल फॉर्म मेड ऑफ स्मॉल डॉट्स, स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिट मैप फाइल विद बीएमपी एक्सटेंशन, इज अ फॉर्मेट विंडोज यूज फॉर डेस्कटॉप वॉलपेपर, ऑल द अबव, तीनों सही है। ग्राफिक फाइल फॉर्मेट जो स्मॉल डॉट, जो छोटे छोटे डॉट्स में होता है, पिक्सल से बने होते हैं, जाहिर सी बात है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिट मैप फाइल बीएमपी, एक ऐसी फाइल जिसका एक्सटेंशन डॉट बीएमपी होता है, सही है। जो फॉर्मेट विद विंडोज यूज, विंडोज के साथ होता है, जो भी वॉलपेपर आपको दिखते हैं वो डॉट बीएमपी से ही होते हैं, इसमें ऑल ऑफ द अबव सही होगा, 1.9 का डी सही होगा। प्रयोगकर्ता परिचायक यूज इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे काम, अपने सिस्टम में कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसको कमांड देते हैं, उसको निर्देश देते हैं। इसमें जो आंसर होगा 1.10 का ए सही होगा। फिर वही वाला आ गया, बी फोर बी नाइन पूर्ण सेल में प्रयोजित करने के लिए आप चारों डॉलर बी डॉलर फोर डॉलर बी डॉलर नाइन अगर लगा दोगे तो पूर्ण पूर्ण ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। एक कंप्यूटर से कागज पर चित्रांकन रूप से सूचना का अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट उपकरण का उपयोग किया जाता है, विच आउटपुट डिवाइस यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर और पिक्चोरियल फॉर्म ऑन माउस, ठीक। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, टच पैनल का यूज करते हैं, ठीक, प्लॉटर का यूज नहीं करते। विच आउटपुट डेटा यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर इनटू पिक्चोरियल फॉर्म ऑन पेपर, सॉरी इसका जो आंसर होगा वो प्लॉटर होगा, तो जो आंसर होगा एक कंप्यूटर कागज से तक, ठीक। कोई कंप्यूटर में कोई चीज़ बनाए हुए उसको आप उसी सेप में, उसी सेप की में कटिंग करना चाहते हैं पेपर पर, वही कह रहा है। एक कंप्यूटर से कागज पर चित्रांकन रूप में सूचना का अनुवाद, अनुवाद मतलब वही उसी तरह कटिंग करने किस आउटपुट पर करते हैं, तो आउटपुट उपकरण क्या है, इनपुट जो माउस होता है वो इनपुट होता है, यही गलत हो जाएगा। टच पैनल इनपुट होता है, यही गलत हो जाएगा। पंच कार्ड वो इनपुट होता है, यही गलत हो जाएगा। प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर का यूज़ क्यों करते हैं, प्रिंटर की तरह होता है लेकिन प्रिंटर छपाई काम करता है, उसमें छापने का काम करता है, ये क्या करता है उसी शेप में कटिंग करने का काम करता है। इसलिए आंसर जो होगा वो बी होगा, प्लॉटर। बाइनरी संख्या 1101 के दशमलव समांतर क्या है, तो कर लो 1.01 को जब आप करोगे 11011, ठीक, तो वो 8, 6, 14, 14, 16, 14 कितना होगा, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 8, 4, 4, 4, 24, इसका जो आंसर होगा डी होगा 24, ठीक। चेक कर लेना इसको, बाकी मैं बताया हूँ, जल्दी देखते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यार्थ पढ़ाने के पहले बताया पावर पॉइंट, मैं क्या दिया है
ऑप्टिकल इनपुट उपकरण जो पेपर मीडिया पेंसिल चिन्हों जो हम चिन्ह लगाते हैं जो हम OMR में सीट में भरते हैं ना गोला काला करके आते हैं जो गोला काला करते हैं तो मशीन पड़ती है उस मशीन का नाम क्या है OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा 1.5 का ए बेस टू में संख्या का जिसका बेस टू होता है वो बाइनरी नंबर होता है तो जो आंसर होगा डी होगा एक किलोबाइट कितने एक बाइट में कितने बिट होते हैं पहले पता है 8 बिट होते हैं एक निबल में 4 बिट होते हैं एक एक बिट में 0 और 1 होता है सबसे छोटी इकाई बिट होती है यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस सही है एक कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है ठीक अगला क्या है लेकिन कौन सबसे तेज बड़े सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है ठीक सबसे बड़ा तेज और सबसे पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी बोला जाता है इन्हें कौन सा वोलेटाइल है रैम सही है बबल नहीं होता मैग्नेटिक नहीं होता सब नॉन वोलेटाइल है केवल रैम ही वोलेटाइल है कौन सी बाइनरी संख्या 4 द्वारा विभाजी है इसमें जो 4 द्वारा विभाजी है वो है तुम्हारा 101010 ठीक तो हमारे ख्याल से ये ख़त्म हो गया ठीक तो आज के लिए इतना ही रखते हैं तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए इसको आप लोग देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा कोई भी और भी क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ अभी यहाँ पे बाकी यहाँ लिख दे रहा हूँ 8311198000 पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो बाकी यूट्यूब के कमेंट बार में कमेंट भी कर सकते हो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सारे इंटरनेट का भी आ सकता है नहीं इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा वो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग में से किसी में भी आ सकता है लेकिन 100% श्योर है अगर नोट्स और ये जो हेल्प लास्ट हेल्प है अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है साल भर एक बार भी पेपर देने जा रहे हैं नोट्स और ये हेल्प अगर कर लेंगे तो 100% पेपर सॉल्व कर सकते हैं नहीं आप पास हो सकते हैं बहुत लोग वो लेबर इसलिए करते कि उन्हें औरों का देख के कि और लोग का बैग लग रहा मेरा भी लग जाएगा कुछ लेने करते फिर बाद में पसारे की वैकेंसी आ जाती है फिर ओ लेवल फिर इंस्टीट्यूट में संपर्क करते हैं कि एक दिन में 4 दिन में दिला दिए तो वो इम्पॉसिबल है यानी कहने का मतलब है कि ओ लेवल बहुत ही हवा नहीं आप उसको आसानी से कर सकते हैं बाकी हम आपके लिए ऐसे हेल्प करते रहेंगे आप हमें सपोर्ट कीजिए अधिक से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए एग्ज़ाम है तो आप नोट्स ले सकते हैं कहाँ से ले सकते हैं BinaryTube.in पे जाके ले सकते हैं बाकी हमारी क्लास भी चल रही है प्रयागराज में सुंदरम टावर के बगल में सिंडिकेट बैंक के ऊपर वहाँ पर क्लास भी कर सकते हैं बाकी DC और DCA अभी हम लोग हाल ही में MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड भी हो चुके हैं तो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो 8311198000 पर संपर्क कर सकते हैं बहुत ही जल्दी मैं ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ ऑनलाइन क्योंकि मैं खुद अभी न्याय विभाग में हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि बच्चे जो आते हैं वो कंप्यूटर जानते हैं लेकिन ऑफिस में कैसे काम होता है वो नहीं जानते उसी के थ्रू उनका इंप्रेशन पहले दिन ख़राब हो जाता है तो ऑफिस ऑटोमेशन में सिखाऊंगा कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये चीज़ें जो एप्लीकेशन सीखना है इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा जानना है फिर उस पर कैसे काम करते हैं ऑफिशियल क्या क्या काम हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अगर ऑफिस में जाते हैं तो क्या क्या काम होता है बेसिक तौर पर तो वो चीज़ें मैं इसको बताऊँगा बहुत ही मिनिमम चार्ज रहेगा उसका और उसको आप घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं तब तक थैंक यू सो मच अधिक सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर हम लोग और अधिक वीडियो बनाएं थैंक यू सो मच